इस वाले व्लॉग में हम जाएंगे फ्रॉम पोर्ट ब्लेयर टू स्वराज द्वीप या हैवलॉक आइलैंड एंड वहां पे करेंगे एलिफेंट बीच का एक टूर। ये है अंडमान का एक वाटर बस। आज एक्चुअली ईस्टर्न डिस्टर्बेंस है इसलिए राइड इतनी ज्यादा बम्पी है, नॉर्मल डेज में पिछली बार तो इतना नहीं था। देखिए पूरा राधानगर बीच जो अभी खाली है, सवेरे सवेरे नारियल पानी। ये है दोस्तों हमारे इंडिया का मालदीव्स। तो आज मेरा ड्रोन जो है जब्त हो गया, आज के लिए एलिफेंट बीच इज क्लोज। बुरी किस्मत लेके आज हैवलॉक आया था। देवी और सज्जन नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे फिर से एक बार। फिलहाल मैं हूँ पोर्ट ब्लेयर में जो कि अंडमान हाईलैंड्स की राजधानी है। पिछली बार भी मैं आया था नवंबर में, आप लोगों ने बहुत सारा सपोर्ट दिया था पिछली बार, बट पिछली बार ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रह गई थी कवर करने के लिए जो कि मैं इस बार आके अपने शॉर्ट ट्रिप में कर रहा हूँ। लास्ट टाइम जैसे मैं हैवलॉक में एलिफेंट बीच नहीं गया था, लास्ट टाइम जैसे चिड़िया टापू रह गया था, लास्ट टाइम जैसे सेलुलर जेल का लाइट एंड साउंड शो रह गया था, तो सब कुछ जो है इस बार कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। पिछले वाले व्लॉग में हमने घूम के देखा था सेलुलर जेल, गए थे चिड़िया टापू एंड वो जो लाइट एंड साउंड शो है ना वो देखा था। इस वाले व्लॉग में हम जाएंगे फ्रॉम पोर्ट ब्लेयर टू स्वराज द्वीप या हैवलॉक आइलैंड एंड वहां पे करेंगे एलिफेंट बीच का एक टूर। वहां पे ना एक्टिविटीज बहुत है, सी वॉक से लेके पैरासेलिंग तक सब कुछ, तो कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ एक्टिविटी हम ट्राई करें। लास्ट टाइम मैंने जर्नी की थी नॉटिका से, नॉटिका का वेसल मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। प्राइवेट में दो ही प्लेयर्स हैं, नॉटिका एंड मैक्रूज, एंड अगर आपको गवर्नमेंट फेरी में सीट मिल जाए वो बात अलग है, लेकिन मिलता नहीं है, हमेशा ऑलमोस्ट फुल रहता है। अब की बार ना मैं मैक्रूज ले रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा कि चलो ये भी आपके लिए एक रिव्यू कर देते हैं कि कैसा है। मैक्रूज की फ्लीट नॉटिका से भी ज़्यादा है, इनके पास सुबह 6 बजे, 8 बजे, 10 बजे, 11 बजे, मतलब बहुत सारे फेरीज है दिन में। तो पहुंच चुका हूँ हार्डो जेटी के पास, अभी बज रहे हैं सुबह के 5:15। मेरी जो फेरी है ना वो सुबह के 6 बजे, तो फटाफट भागते हैं क्योंकि यहाँ पे भी ना एयरपोर्ट वाला सिस्टम है, आपको टिकट दिखा के एंट्री करनी पड़ती है, फिर सिक्योरिटी चेक इन करना पड़ता है, फिर बोर्डिंग चालू होता है। वैसे जो मेरा वेसल है वो फिनिक्स उसमें पार्क्ड है, थोड़ी देर पहले ही मैंने देखा। यहाँ पे इस तरफ मैं जा रहा हूँ हार्डो जेटी में, एंड रिपोर्टिंग पहले ही रहता है। मैं जो है ना फर्स्ट फेरी ले रहा हूँ आज। आप चाहें तो सुबह 7:30 बजे, 8 बजे जो भी है ले सकते हैं, बट ज़्यादा लेट मत करिए। एंड आज का जो हमारा वेसल है ना वो है कैटरमरन शिप, जो कि बेसिकली दो ऐसे वर्टिकल हल पे चलती है, ड्रैग वगैरह थोड़ा कम रहता है एंड स्पीड उसका काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो पहुँच चुके हैं पैसेंजर टर्मिनल में, अब बस फटाफट एंट्री करते हैं। यहाँ पे वैसे थोड़ा बहुत लाइन भी लगा हुआ है एंट्री करने के लिए, यहाँ पे जस्ट लाइक एयरपोर्ट्स आपको चेक इन करना पड़ता है एंड चेक इन में ना यहाँ पे काफ़ी सारा लाइन है। बोर्डिंग पास मुझे मिल गया है, कुछ ऐसा है, सीट नंबर, PNR एंड टाइमिंग लिखा हुआ है बस। तो ये है हमारा वेसल एंड इसमें जो है नीचे कुछ ऐसी सीट्स हैं, ये सीट्स जो है प्रीमियम सीट्स हैं एंड मेरा जो सीट है ना वो अपर डेक पे है। यहाँ पे वैसे बढ़िया सा एक कैफ़े है, इनके पास ना बहुत सारा सिलेक्शन है कंपेयर टू नॉटिका। एंड ये है यहाँ का अपर डेक, यहाँ का जो सेटिंग है ना वो आप देख लीजिए, आपको जो इसमें 3-4-3 का कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है, बिल्कुल ड्रीम लाइनर है। सीट्स वैसे तो कंफर्टेबल है मगर मैं थोड़ा और अच्छा एक्सपेक्ट कर रहा था क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं इनके वेसल में रिटर्न आ रहा था ना तब मैंने देखा था इनके ऊपर वाले सीट्स काफ़ी अच्छे थे। यहाँ पे ट्रेटेबल है एंड यहाँ पे सीट पॉकेट में वॉमिटिंग बैग एंड एक इंस्ट्रक्शन कार्ड दिया हुआ है। एंड ऑनलाइन चेक इन में मैंने एक्चुअली बुक किया था राइट साइड का सीट क्योंकि राइट साइड ही सन रहेगा, उस साइड ही सही रहेगा, बट पता नहीं यहाँ पे आके देखता हूँ कि सीट लेफ्ट में है। एंड इनके जो विंडोज है ना वो भी सारे ऐसे टिंटेड है, लाइव है यहाँ पे एंड आगे एसी के आउटडोर यूनिट वगैरह हैं, तो इन सब से आपका व्यू ब्लॉक हो जाता है। आई वुड से नॉटिका इज फार बेटर देन मैक्रूज। फिर एक और चीज हुआ, अभी ना मेरा ड्रोन CISF ने रख लिया, वो बोले कि हैवलॉक जो है नो ड्रोन जोन है, मुझे ये चीज का अंदाजा नहीं था क्योंकि मुझे किसी ने बोला था कि पोर्ट ब्लेयर में दिक्कत है, हैवलॉक में कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं लेके आ रहा था तो रख लिया, तो फिर मैंने मैक्रूज के काउंटर पर रख दिया एंड जिन्होंने मुझे आज सुबह ड्रॉप किया था मैंने उनको बोल दिया कि आप प्लीज वो ड्रोन ले लेना, कलेक्ट कर लेना। एग्जैक्टली 6:03 एंड हम निकल रहे हैं फ्रॉम हार्डो जेटी। यहाँ पे देखिए कितना बड़ा कंटेनर शिप है, कार्गो शिप। वैसे वहाँ आप देख सकते हैं नॉर्थ बे आइलैंड, वो जो लाइट हाउस है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, 20 रुपये का जो पुराना नोट है ना उसके पीछे ये लाइट हाउस बना हुआ रहता है। वैसे पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक तक का डिस्टेंस है 55 किलोमीटर, जिसको हम अगले 90 मिनट्स में कवर करेंगे एंड वी विल क्रूज एट द मैक्स ऑफ 45 किलोमीटर्स पर आवर, लगभग 23 से 24 नॉट्स की स्पीड पे। एंड यहाँ पे आज राइड काफ़ी बम्पी है, इसी में वैसे मज़ा है।
आज एक्चुअली ईस्टर्न डिस्टर्बेंस है, इसलिए राइड इतनी ज़्यादा बम्पी है। नॉर्मल डेज में पिछली बार तो इतना नहीं था। बता दूं, आज मैं ट्रैवल कर रहा हूं eTripto.in के पैकेज में। इनके पास बहुत ही बेहतरीन पैकेज है अंडमान के। मात्र 15,000 रुपये में पूरा अंडमान आपको घुमा देंगे, इंक्लूडिंग हैवलॉन्ग, नील, पोर्ट ब्लेयर एंड बाकी सब। इनके पास बढ़िया कैब्स, होटल्स हैं जिनसे ये आपको बेस्ट प्राइस दे पाते हैं। ब्रेकफास्ट, डिनर, ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ जो है इंक्लूडेड रहेगा। सारा आगे जो अरेंजमेंट्स है हैवलॉन्ग में वो सब भी मैं आपको दिखाता हूँ कि eTripto ने क्या दे रखा है। अगर आप अंडमान का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो एक बार वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करना, उसमें आपको eTripto की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ये जो अपर डेक पे सीट्स है ना, सेम नीचे, बट उसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3-3-3-3, सचमुच का वाटर बस। वी आर ऑलमोस्ट हाफ वे टू स्वराज द्वीप। हम निकलते हैं यहाँ से एंड हम जाएंगे यहाँ पे। करेंटली क्रूजिंग एट नियर अबाउट 40 km/h। यहाँ पे लाइट म्यूजिक बज रहा है, बढ़िया थोड़ा वाइब आ रहा है, बट अपर डेक पूरा ही खाली है। बाकी यहाँ पे एक डेक्स है बट ये कभी खुलता नहीं है ड्यूरिंग द जर्नी, बट आप जो है ना यहाँ से व्यू ले सकते हैं। एंड हम ऑलमोस्ट आ गए हैं स्वराज द्वीप पे। ये जो है मैक्रोस की फ्लीट है जिसमें पिछली बार मैं इसमें आया था। ये बहुत बढ़िया जहाज है, मैक्रोस गोल्ड। अभी हम इसमें हैं एंड एक और इनके पास है मैक्रोस पर्ल। अच्छा, ये है शिप का सबसे ज़्यादा लग्जरी क्लास। इसकी जो सीट्स हैं 3100 की है, 3100। एंड देख सकते हैं 8 इसमें डिलक्स सीट्स हैं सारी। एंड बेसिकली एक प्राइवेट रूम जैसा है। अगर आप पूरा एक बड़ा फैमिली है तो ये वाला रूम कर सकते हैं, ऐसा कुछ है। सुबह के बज रहे हैं 7:30। स्वराज द्वीप में आप सभी का स्वागत है। लगभग वही 90 मिनट्स के आसपास लगते हैं, अच्छा है 2-4 मिनट ज़्यादा लग गए। तो अब जहाज देख लीजिए, कुछ ऐसा है जो मैं कह रहा था ना कि ये बेसिकली दो ऐसे हल पे चलता है, इसके नीचे कुछ नहीं है जिसकी वजह से इसको कम ड्रैग फेस करना पड़ता है। यहाँ पे आके यार बढ़िया वाली वाइब मिल रही है। कुछ देर बाद ना काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो जाएगी तो जल्दी निकलते हैं घूमने के लिए। यहाँ से एलिफेंट बीच का ट्रैक भी होता है और स्पीड बोट से भी जा सकते हैं। स्पीड बोट से लगते हैं 15 मिनट एंड 1.5 किलोमीटर ट्रैक के लिए शायद 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है। सो बस यही है, लास्ट टाइम मैं आया था उससे लग रहा है कि पानी काफ़ी ज़्यादा है। बहुत ही मज़ेदार ब्लू वाटर्स। यहाँ पे मुझे ऑलरेडी कॉल आ गया, eTripto के जो प्रतिनिधि है ना वो बाहर वेट कर रहे हैं। यहाँ पे सब कुछ है यार, पिकअप विकअप एकदम हो जाता है। जैसे ही मेरा जहाज है उनका कॉल आ गया कि बाहर आइए, बोर्ड लेके हम खड़े हैं। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं अभी राधानगर बीच, जहाँ का सनसेट तो बहुत ही कमाल का है। सनसेट तो आज नहीं देखेंगे बट चलो वो आप मेरे लास्ट ईयर वाले व्लॉग में देख लेना। आज हम सेम डे ही रिटर्न कर जाएंगे। एंड जो एलिफेंटा के स्पीड बोट्स है वो सुबह के 9 बजे चालू होते हैं, अभी सुबह के 8 ही हो रहे हैं, तो इस टाइम में हम ये राधानगर कवर कर लेते हैं एक बार। लास्ट ईयर इतना अच्छा नहीं लगा था, वो उतना क्लीन नहीं था, मगर आज जैसे ही सुबह आके देखा कि एकदम ब्लू वाटर्स है तो उम्मीद करते हैं कि आज काफ़ी अच्छा लगे। यहाँ से लगभग 10 से 15 मिनट लगेंगे एंड आपके सारे जो ट्रांसफर्स हैं हैवलॉग वगैरह में सब एसी कैब में होते हैं। अंडमान में यहाँ पे आ रहे हैं तो eTripto.in ज़रूर चूज़ करना। ऑटो में फालतू में लास्ट ईयर जैसे मैं आया था गर्मी में घूम रहा था। वेलकम टू दी राधानगर बीच। आज ना पानी यहाँ पे बहुत साफ लग रहा है। पिछली बार मुझे ये अच्छा नहीं लगा था, वो काला पत्थर अच्छा लगा था, बट आज ना पानी काफ़ी साफ सुथरा है। आइए आपको बीच दिखाते हैं यहाँ का। यहाँ पे जो फ्लैग लगे ना, इसका मतलब कि अभी स्विमिंग नहीं करनी, जो कि लोग ऑब्वियसली कर रहे हैं। देखिए पूरा राधानगर बीच जो अभी खाली है, एकदम सुबह से भी आ जाइए अगर बढ़िया फोटोज चाहिए तो, नहीं तो शाम को आएंगे ना तो लोग आपके फोटो को फोटो बूम कर देंगे। कुछ ऐसा है यहाँ का बीच। यहाँ पे राधानगर का ये इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। यहाँ पे सनबाथ लेने के लिए जो ऐसे चेयर्स लगे हैं, चेंजिंग रूम्स हैं, यहाँ पे वॉशरूम है। अभी चलते हैं ब्रेकफास्ट करने, TSG रिसोर्ट करके हैं ही बगल में, वहीं पे ब्रेकफास्ट करते हैं एंड फिर निकलते हैं एलिफेंट बीच के लिए।
ओके। सवेरे सवेरे नारियल पानी आई थिंक काफ़ी अच्छा होता है। यहाँ पे बहुत ही शानदार ब्रेकफास्ट बुफे है। यहाँ पे मैंने लिया है एग भुर्जी, इडली, सॉसेज, फ्रेंच फ्राइज, बनाना, अभी ऑमलेट, ब्रेड, सब कुछ मिलेगा। एंड द प्राइस इज़ $4.99 प्लस टैक्सेस। एंड ऑप्शंस ना बहुत, एक्चुअली मैगी भी है, पूरी सब्जी भी है। पूरी सब्जी मुझे नहीं खाना, मतलब ऑयल डीप फ्राइड चीज़ें इतनी अच्छी नहीं लगती। साथ में जूस, चाय, कुछ सैलड, ये सब तो यार भरपूर है। यहाँ पे ब्रेकफास्ट सिलेक्शन काफ़ी अमेजिंग है। चीज़ ऑमलेट बोला था मैंने, वो भी आ गया। अभी जो है चेक इन टाइम हो गया है, तो देख लीजिए है हमारा यहाँ का होटल। एक्चुअली सामने ही सी है, बढ़िया व्यू आ रहा है सामने से। सोच लो आपके पैकेज में इतने अच्छे अच्छे रिसॉर्ट्स होटल रहेंगे, और नॉर्मली अगर आप अलग अलग से परचेस करोगे तो वो कॉस्ट डेफिनेटली आपका पर पर्सन 20-25 हज़ार चला जाएगा। और ये है यहाँ का रूम, सबसे ज़रूरी चीज़ वो ऊपर। और सारे अमेनिटीज़ हैं, जैसे आपका चाय सामग्री, हॉट कैटल, वाईफाई, ये सब। यहाँ पे मैं आ चुका हूँ जेटी के पास, जहाँ से हमें स्पीड बोट मिलेगी एलिफेंटा बीच के लिए। इसका पूरा प्रोसेस वहीं पहुँच के बताता हूँ। यहाँ पे ना हम स्पीड बोट से जा रहे हैं एलिफेंटा बीच। नॉइज बहुत ज्यादा है, एंड दूर वहां पे है लाइट हाउस पॉइंट। जो तेरे साथ लिखी है, दिल में कुछ बातें ऐसी है, कहनी जो तुझसे बाकी है, तेरी यादों की राहों पर मैंने दुनिया मेरी बनाई है। पहुंच गए हैं यहाँ के एलिफेंट बीच में, एंड ये थी हमारी बोट बाज राइडर। आज ईस्टर्न डिस्टर्बेंस बहुत है, मौसम ख़राब है बेसिकली। वैसे जगह है तो बहुत खूबसूरत है, जब तक यहाँ पे भीड़ ना जम जाए ना तब तक ठीक है। पर ठीक है यार, बहुत खूबसूरत बीच है, आई थिंक यहाँ पे आना वर्थ इट है। यहाँ पे आपको थोड़ा सिस्टम एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पे सिस्टम थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज्ड है, बट अगर आप ट्रैवल एजेंट के साथ आते हैं तो ड्राइवर आपकी मदद करेंगे। मेरे को हेल्प कर दिया ईट्रिप्टो के जो ड्राइवर थे उन्होंने, नहीं तो फिर हर जगह से आपको लोग घेर लेंगे। ये पैकेज वाला मतलब वो पैकेज वाला आएगा, मतलब फिर अलग अलग जो स्पोर्ट्स वाले हैं ना वो अलग अलग तरीके से घेर लेंगे। पैकेज में बोट का टिकट इंक्लूडेड है, उसमें कॉम्प्लीमेंट्री स्नॉकलिंग यहाँ पे साइड में करवाते हैं, एंड और कुछ अगर करना है वो आपका चार्जेबल है। मैं यहाँ पे 3 एक्टिविटी करने की कोशिश करूँगा, जेट्स की, पैरासेलिंग एंड सी वॉक। फिलहाल यहाँ पे एक्टिविटीज़ बंद है क्योंकि वेदर बहुत ख़राब है। तो फिर वहाँ पे आप अपने एक्टिविटीज़ कुछ परचेस करोगे, क्योंकि यहाँ पे UPI चलता नहीं है, UPI से पेमेंट करना है, तो वहीं से लेके आना। यहाँ पे आके अगर लेना है तो कैश ले आना बहुत सारा, क्योंकि सारा कुछ महंगा है यहाँ पे, और कैश लेके आना क्योंकि आपको खाना पीना तो यहीं पे पड़ेगा। उसके बाद हमारी ट्रैवल एजेंट ने बोट का टिकट दे दिया जिस बोट में हम जाएंगे, फिर उनका अपना ग्रुपिंग सिस्टम है, वो फिर आराम से ग्रुप करके बाद में अनाउंस करके बाहर बुला लेंगे कि ये आप 10 लोग एक साथ हैं। तो वैसे ही मेरे साथ को पैसेंजर्स हैं, हमारा बोट है बाज राइडर, फिर बोट के ड्राइवर भी आ गए, हम सबको ले लिया, बोट में बिठा दिया। यहाँ तक लगते हैं 20 मिनट्स के आसपास, बीच में एक लाइट हाउस आता है। हमें बोला गया है कि 3 घंटे तक हमें रुकना है, उसके बाद हम जाएंगे। अगर हमारा आपस में कोऑर्डिनेशन रहा 10 लोगों का कि हमें थोड़ी देर बाद जाना है, थोड़ा पहले जाना, तो वो हो जाएगा। बट एक्टिविटीज़ यहाँ पे मुझे लग नहीं रहा कि आज हो पाएगा जिस हिसाब का वेदर है, बट अच्छा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे। बस यही है एलिफेंट बीच, छोटा सा है, बट अगर आपको एक्टिविटीज़ करना है तो यहाँ पे ज़रूर आ सकते हैं। आज का अपना किस्मत ख़राब है, यहाँ पे एलिफेंट बीच पे कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रहा, तो हम 10 से 15 मिनट में रिटर्न जा रहे हैं, क्योंकि यार आज मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। 3 एक्टिविटीज़ बुक करी थी मैंने, जेट्स की, पैरासेलिंग और
जो सी वॉक होता है वो आज के लिए एलिफेंट बीच इज क्लोज। बुरी किस्मत लेके आज हैवलॉग आया था। तो यहाँ पे एक बार बीच दिखा दूँ, यहाँ पे वैसे वॉशरूम, चेंजिंग रूम, लॉकर, ये सब की फैसिलिटी है। अंडमान की सरकार इन सब चीज़ों का ख्याल रखती है, राधानगर में भी है, फिर यहाँ पे भी है। सो ये सब चीज़ें ठीक है पे एंड यूज़ वाला। बाकी कुछ वहाँ पे शॉप्स वगैरह भी है, फ्रूट, पानी वानी इनके लिए। तो हमारी जो बोट है ना बाज राइडर, वो वापस यहाँ पे आ चुकी है और हम निकल रहे हैं। तेरी यादों की राहों पर मैंने दुनिया मेरी बनाई है। अभी जा रहे हैं काला पत्थर बीच एंड एकदम चेंज वेंज कर चुका हूँ, थोड़ा फ्रेश हो चुका हूँ होटल में। होटल ना काफ़ी बढ़िया दिया है उन्होंने। तो बस जा रहे हैं, दो ही बीच है मेन, एक सनराइज़ के लिए फेमस है, एक सनसेट के लिए। काला पत्थर जो है वो सनराइज़ के लिए है। स्वराज द्वीप के काला पत्थर बीच में आपका स्वागत है। ये भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है। एंड अभी ना मैंने यहाँ पे भैया से पूछा, भैया बता रहे कि कुछ दिन पहले यहाँ पे किसी ने ड्रोन उड़ाया। मुझे भी, मेरे साथ जो शिप में CISF के सर आए थे उन्होंने भी बोला था, वो सीनियर है काफ़ी, उन्होंने बोला था कि हैवलॉक में कोई दिक्कत नहीं है, पोर्टवेयर में नहीं उड़ा सकते। और आज सुबह जो है बोला कि हैवलॉक ही नो ड्रोन जो है ड्रोन ले लिया। तो आज मेरा ड्रोन जो है जब्त हो गया। बट यार यहाँ पे चला सकते थे ना तो बहुत अच्छा होता, साइड में ही बात ले सकते हैं सी बात, मगर ऑफिशियली शायद अलाउड नहीं क्योंकि वो रेड येलो वाला फ्लैग उड़ रहा है। कुछ ऐसा है यहाँ का काला पत्थर बीच। एंड सामने जो है ऐसे आपको पूरा काला पत्थर का बेड मिल जाएगा। ये है दोस्तों हमारे इंडिया का मालदीव्स। एक्चुअली वो लक्षद्वीप है मगर वहाँ पे जाना काफ़ी मुश्किल है। पहले पुलिस स्टेशन जाओ, PCC कराओ, फिर परमिट बनवाओ, फिर एजेंट ढूंढो, शिप का टिकट तो वैसे ही नहीं मिलता। फिर ये सारी कुछ दिक्कतें हैं लक्षद्वीप की, जिनकी वजह से वहाँ पर टूरिज़्म इतनी बूस्ट नहीं हो पा रही और क्रेज़ ख़त्म हो गया उस चीज़ का। जो लोग कह रहे थे ना बॉयकॉट मालदीव्स, वो सब जो है अभी ख़त्म ही हो गया एक तरह से। बट चलिए कोई बात नहीं, व्यू काफ़ी अमेजिंग सा मिल रहा है यहाँ पे। तो लक्षद्वीप वाला चीज़ चला नहीं, बट इन फ्यूचर एक दो महीने में मैं ज़रूर विज़िट करूँगा। यहाँ पे ना फिलहाल आया हूँ अंजू कोको रेस्तरां में। ये यहाँ का काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट है। एक्चुअली बहुत दिन से ना शिप में चावल चल रहा था यार, ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा टैंड हो गया, तो मुझे लगे चलो कुछ अलग खाते हैं। तो कोई तो विदेशी आइटम मंगवाया है, देखते हैं कैसा देते हैं। AC सीटिंग नहीं है बट कॉस्टली बहुत ज़्यादा है, जैसे वर्जिन मोहितो विस्की वाले ग्लास में 250 रुपीज़ का, बट है बहुत बढ़िया। यहाँ पे ऐसा कुछ दिया है, दो चिकन कटलेट है, मैश पोटैटो है, एंड यहाँ पे थोड़ा सा सैलड है, कॉस्टेड मी 300 रुपीज़। अब बस जी पैकिंग करके निकल रहे हैं। फ़ोन में एक दिक्कत हो गया था कि जो चार्जिंग पॉइंट है ना उसमें पानी चला गया था तो वो चार्ज ही नहीं ले रहा था। लकीली लिया नहीं तो फ़ोन डेड हो जाता। तो बस आज का ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं अभी मैक्रूज लेके वापस रिटर्न कर रहा हूँ पोर्ट ब्लेयर। है व्लॉग आपको रिकमेंडेड है कि स्टे करिए, सनसेट देखिए फिर ही जाइए। ये तो चलो मेरा काफ़ी शॉर्ट ट्रिप है इसलिए हो नहीं पाया। मिलते हैं फिर अगले वाले व्लॉग में, तब तक अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, याद रखें तूफान आंधी आए बरसात, हर मंगल शुक्र आपके साथ।